हेलो दोस्तों, कैसे हो यार आप सभी। और सभी का वेलकम, स्वागत टिप्स ऑनली विन में। और मेरा नाम आप सब लोग जानते ही हैं, बिशन दत्त है। और आज हम बात करेंगे दोस्तों बेंगलोर रेस की। और संडे का दिन है, 2 जुलाई 2023, और पहली रेस 1:30 बजे है, आखिरी रेस 5 बजे, और टोटल 8 रेसें हैं दोस्तों। और पहली रेस में आ जाते हैं। पहली रेस 1200 मीटर क्लास 4 की है। यहाँ पे जो हॉर्स मैं पिक लेके चलूंगा, पहले टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड में बात कर लेते हैं एक बारी। एक नंबर विनस, लास्ट टाइम 1400 मीटर का रन था और नो विप रेस थी। यहाँ पे घोड़ा इस बारी आ सकता है क्योंकि 1200 मीटर में एक बार जीता हुआ है, और लास्ट टाइम भी अगर 1400 में आप लोगों ने देखा होगा तो शायद 200 मीटर में ही, 200-300 मीटर में ही खड़ा हुआ है घोड़ा, और विदाउट वैसी थी। तो यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं घोड़ा दोबारा बोर्ड में देखने को मिले। 2 नंबर ग्रोवेन पी ट्रेवर के नीचे, ये घोड़ा यार लास्ट टाइम मैक्रोन के साथ में फेवरेट था घोड़ा, और उससे पहले चिंकी पिंकी के साथ में 5वां लगा। लास्ट रन बहुत बढ़िया है और TS ऑन कर रहे हैं, और उम्मीद करेंगे ट्रेवर के नीचे घोड़ा जीते यार यहाँ पे। 4 नंबर डेबोनियर, लास्ट रन इम्प्रेसिव था अगर बात करें, रामू के नीचे और फ्रंटी लेके बैठा हुआ, और कुछ लोग 20-20 रुपए में भी विन मैंने देखा था कि विन लग रहा था एक घोड़ा, और प्लेस भी लगी थी, और 62 किलो में काफी अच्छा। और इस बारी सीधा 10 किलो माइनस ही जा रहा है, तौसिफ खान 4 किलो का अलाउंस है और 52 किलो में घोड़ा जा रहा है इस बारी, बिल्कुल सरप्राइज कर सकता है। यहाँ पे 5 नंबर ओसिस क्लास C उमेश के नीचे, और 2, 3, 4 रन अगर देखे जाए, 4 रन में कुछ ना कुछ इंसिडेंट है। और यहाँ पे उमेश के नीचे अपसेट प्लेस आप देख सकते हैं इसकी। 6 नंबर है कंटेडर एंटनी राज के नीचे, कुछ घोड़े दिख रहे हैं अब ठीक सीजन में प्लेस ट्राई, बिल्कुल ये घोड़ा बनता है। लास्ट सीजन अगर कहें तो काफी बार गायब हुआ है, 3.5 रुपए में लास्ट टाइम प्लेस आउट, लेकिन तप्पू के नीचे तृप्तिका के आगे फेवरेट 8वां, उसके इंग्लिश बे के आगे अक्षय कुमार बैठा हुआ था, इंसिडेंट हुआ, 4था हो गया घोड़ा, और 1 रन बहुत बढ़िया था। खैर जो भी है, हिस्ट्री आप लोग भी देख सकते हैं, बुक में सभी के पास मिल जाती है। और उसके बाद है 9 नंबर फायर फिंच एन अरविंद कुमार, अच्छी राइडिंग कर रहा है यार, 60 किलो से 6.5 किलो का वेट का बेनिफिट है, 53.5 जाना है इस बारी, और लास्ट टाइम भी अरविंद ने ही चलाया था घोड़ा। उम्मीद करते हैं एक और बेटर रन देखने को मिले। और यहाँ पे जो मैं पिक लेके चलूंगा दोस्तों, 2 नंबर ग्रोविन पी ट्रेवर और 6 नंबर कंटेडर एंटनी राज। और यहाँ पे 2 नंबर TS ऑन करने के साथ में बुक के हिसाब से डे वैस भी दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं ट्रेवर के नीचे घोड़ा जीते। और उसके बाद सेकेंड रेस में आ जाते हैं। सेकेंड रेस 1200 मीटर की है, 3 ईयर ओल्ड की। यहाँ पे 1 नंबर एल्डिवा एंटनी राज के नीचे इस घोड़े को मोक भी दे रहे हैं, और उम्मीद करते हैं एक बेटर रन देखने को मिले। और 2 नंबर क्लाइड स्टार सरप्राइज कर सकता है, यस नेडू के नीचे पहला रन है इम्तियाज खान ट्रेनर। और 5 नंबर पैना, लास्ट टाइम यार मतलब जनवरी में घोड़ा भागा था, अक्षय कुमारी बैठा होता गले हेड के साथ में, काफी क्लोज फिनिश था, 4था 2.5 रुपए में, काफी लगा भी था घोड़ा उस दिन। और उम्मीद करते हैं इस सीजन में घोड़ा बोर्ड में देखने को मिले या जीते पहले रन पे सीजन के। कॉन्फिडेंशियल यहाँ पे TS ऑन कर रहे हैं। 1100 मीटर में 1000 मीटर तक तो दिखा था, फिर उसके बाद यार एकदम पीछे हो गया था बहुत ज्यादा। देखते हैं 1200 में इस बारी कैसा रन देता है। और उसके बाद है 8 नंबर न्याया, ये घोड़ा यार सीओ भान का बच्चा है, और कुछ लोगों को शायद याद होगा घोड़ा महिंद्रा जी का सीओ भान, स्टार्ट टू फिनिश चला जाता था, 1200-1400 इसी डिस्टेंस में भागता था ये घोड़ा। और उम्मीद करते हैं पहले रन में, मतलब पहले रन पे ही एक अच्छा रन दे घोड़ा, और पेडिग्री वाइज अगर बात करें तो ठीक घोड़ा लग रहा है यहाँ पे। और पिक लेके चलूंगा 8 नंबर न्याया पी ट्रेवर और 5 नंबर प्रेरणा अक्षय कुमार। थर्ड रेस में आ जाते हैं दोस्तों। थर्ड रेस 1400 मीटर की रेस है, और यहाँ पे क्लास 3 की
यहाँ पे जो टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड में लेके चलूंगा, 2 नंबर विन माई लव, लास्ट टाइम भवानी के नीचे बहुत बैटिंग हुई थी यार, वर्ड स्मिथ 10-10 रुपए में जीत गया था, मिस्टर पैसी का 10-15 रुपए में, और ये थोड़ा सा रन यार उस हिसाब से शायद आप कहें कि पीछे रह गया है, जो भी था इस बारी इनायत बैठा दिया, 3 किलो का वेट का भी एडवांटेज है, 55 किलो में जाना है इस बारी, घोड़ा उम्मीद करते हैं यार एटलीस्ट बोर्ड में रहे, फील्ड भी टाइट थी उस दिन। और 4 नंबर एहरन, यहाँ पे यश नायडू 62.5 किलो में लास्ट टाइम गुड सेकंड लगा एक्वामेटिक के साथ में, माइटी जो के आगे भी 61.5 में, इस बार थोड़ा सा वेट का एडवांटेज होना चाहिए और उम्मीद करते हैं बेटर रन देखने को मिले यार, ब्लैंकर भी ऑन कर रहे। 6 नंबर है 4 व्हील ड्राइव अशोक कुमार, ये घोड़ा यार आप अपसेट प्लेस कंसीडर कर सकते हैं, इसके लिए मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि इससे मैं इसको इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ, कई बार ही साथ के घोड़े होते हैं और गला खराब हो रहा है, क्या हो गया ये वर्ड स्मिथ के साथ ही भागा था दोस्तों, तो ये नौवा लगा था और तो इसलिए मैं मतलब प्लेस ओनली और ऐसा कुछ नहीं है। और 7 नंबर गोल्डन टाइम, उम्मीद करते हैं यार घोड़ा इस बारी इन द लाइट के साथ में 5वां लगा था, श्रेयस सिंह के नीचे अक्षय कुमार बैठा दिया है, उम्मीद करते हैं घोड़ा बोर्ड में रहे। और उसके बाद है 8 नंबर मेजर ऑफ टाइम, जिसे कहते हैं उड़ता हुआ यार घोड़ा आया था और मैं बड़ा सरप्राइज, और शायद मेरे साथ बहुत लोग सरप्राइज हुए होंगे, सिल्वर कैनियन को बीट किया था और उस दिन ब्लैंकर ऑफ किए गए थे घोड़े के ऊपर के रन, अगर आप देखेंगे ठीक है तो नजर रखना दोस्तों प्लेस, या फिर दोबारा वैसा कुछ गड़बड़ ना हो, बट यहाँ पे फील्ड जैसा मैंने बताया थोड़ी सी टाइट है, तो फील्ड सारी टाइट होती है। और पिक लेके चलूंगा दोस्तों यहाँ पे मैं 2 नंबर विन माई लव इनायत, और दूसरा घोड़ा पिक लेके चलूंगा 4 नंबर एहरान यस नेरेडू, अच्छी राइडिंग करी है यस ने, आज वो घोड़ा जिताया पूनावाला जी का, और लॉन्ग लीज नाम था शायद, और फ्रंट रनर मतलब वो घोड़ा था, बट पीछे से भी बहुत बढ़िया राइडिंग करी, तो बस ऐसी राइडिंग देखनी है ये समय यार, बस ऐसे ही करते रहो और ठीक है बहुत बढ़िया। और चौथी रेस में आ जाते हैं दोस्तों, 1200 मीटर की रेस है 3 ईयर ओल्ड की, यहाँ पे 2 नंबर कमांडिंग नाइट बोर्ड के लिए दोबारा बिल्कुल ट्राई कर सकता है, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ के साथ में भागा था अभी घोड़ा ये। और 3 नंबर है गेंडोल्फिनी, यहाँ पे हिंदू सिंह, उम्मीद कर सकते हैं पहले रन पे। 4 नंबर नोटी चैलेंजर विवेक जी, और लास्ट रन अच्छा था यार मेजल टॉक के साथ में गुड सेकंड लगा है, हिंदू से विवेक जी बैठा हुआ है और उम्मीद कर सकते हैं। 5 नंबर रेड फाल्कन सरप्राइज कर सकता है रिकार्डो। 6 नंबर इंक्वायरी ओपन हुई है, सस्पेंड जॉकी वैसे भी नहीं होना, और ताक जैसा मैं हर बारी हर वीडियो में बोलता हूँ, जब जब कोई ऐसा घोड़ा आता है कि जिस जिस घोड़े को ताक ने रन दिए वो घोड़े यार सारे जीत रहे हैं बैक टू बैक, आज आपने पी एस चौहान के नीचे मून ब्लेसिंग भी देखा होगा वो भी जीत गया, तो इस घोड़े से भी उम्मीद करते हैं। और इंक्वायरी ओपन हुई है तो जॉकी पे हुई होगी, और वैसे भी कुछ इंसिडेंट भी हुआ है घोड़े के साथ में, ऐसा कुछ नहीं है, और बिल्कुल चांस बनता है, उम्मीद करते हैं ये घोड़ा जीते यार, और अगर ना भी जीते तो बोर्ड में तो जरूर रहे। उसके बाद है 8 नंबर फ्रिया जे चरुल, और यहाँ पे अपसेट कर सकता है। 9 नंबर प्रोपेसी, लास्ट रन अच्छा था यार चौहान के नीचे अमेजी अट्रैक्शन के साथ में, और उम्मीद करते हैं इस बार एक और बेटर रन देखने को मिले। 10 नंबर रूबी रेड, यहाँ पे ब्लैंकर ऑन कर रहे हैं, और ये शायद मेरे को लग रहा है हैदराबाद में घोड़ा जाके कुछ इम्प्रूव करे, और यहाँ पे भी कर सकता है, वैसा ऐसा नहीं है कुछ इंसिडेंट हुआ है, चौथा लगा है, कुछ इतना दिखा नहीं था मेरे को खैर। और इस रेस में मैं पिक लेके चलूंगा 6 नंबर रिकार्डो एस एंटनी राज, और 9 नंबर प्रोपेसी पी एस चौहान। और उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों 5वीं रेस में, 1200 मीटर क्लास 3 की रेस है, और यहाँ पे 1 नंबर पैवारोटी, जिसे कहते हैं सुपर रन दोनों के दोनों, पहला रन पौने 10 लेंथों से, दूसरा रन 62.5 किलो में 4.25 लेंथों से, खैर क्लास 4 तो मजबूती से क्लियर कर ली है, अब क्लास 3 में देखते हैं एक तरीके से टेस्ट है इस बारी कि क्या होता है, और बिल्कुल जीतना चाहिए घोड़े ने, कोई
लेकिन फील्ड थोड़ी सी टाइट है, निगलेक्ट नहीं कर सकते और घोड़ों को। 2 नंबर तृप्ति का लास्ट टाइम विदड्रॉन कर दिया था, एस सभा के नीचे घोड़ा लग रहा था, शायद शायद जॉकी एस सभा ही था यार, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। और इस बार सकलेन बैठा है, पहला रन है, बस थोड़ा सा ही लग रहा है क्योंकि और घोड़ों ने एक एक दो दो रन ले लिए। 3 नंबर फॉर्डनेस ऑफ यू लास्ट विक्ट्री बहुत बढ़िया थी यार, 5.5 लेंथों से, और सबसे बड़ी बात है टाइमिंग बहुत बढ़िया थी, तो ये घोड़ा बिल्कुल रिपीट कर सकता है। 4 नंबर एरिदानी बहुत ऊपर की क्लास का ये भी घोड़ा है यार, और लास्ट टाइम भी आर जगदीश 60.5 किलो में जिताया था, 24:28, 88 की टाइमिंग करी थी घोड़े ने। और बिल्कुल ये घोड़ा अजहर अली जी का दोबारा बनता है। 5 नंबर लॉर्ड बर्नन, ये घोड़ा जैसा मैं हर बारी बोलता हूँ क्लास 2 क्लास 1 तक भी एक बारी गया हुआ है, शायद क्लास 2 1 तक गया हुआ है, फिर उसके बाद अब क्लास 3 भाग रहा है। कभी परफॉर्म कर जाता है, भी डेडिकेट के साथ में सेकंड लगा, उससे पहले एटर प्रिंसेस के साथ में थर्ड लगा, बिल्कुल अंगद के नीचे भी बनता है घोड़ा, ऐसा नहीं है, चांस ले सकते हैं। 6 नंबर मैक्रॉन अभी जीता था यार, प्रदीप ने बहुत बढ़िया जिताया था यार, ग्रोविन को बीट गया था 4 लेंथों से। और यहाँ पे मैं दो घोड़े, जो मुझे लगता है कि दो घोड़े मतलब एक होता है ना क्लास वाइज बड़े, मतलब और आगे जाने चाहिए, तो मैं वही पिक लेके चलूंगा। 1 नंबर पेवरोटी जे एच अरुल और 4 नंबर एरिदानी सी उमेश। और उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों 6ठी रेस में, द कर्नाटका सब एरिया कप है, 1400 मीटर क्लास 2 की रेस है। यहाँ पे मिस्टर एस एस तल्लाई जी के दो घोड़े हैं, बेलेटर श्रेयस सिंह, काफी क्लोज फिनिश था यार मोटेवर्दी के साथ में, और 4.5 किलो की पेनल्टी है बस, क्लास 1 से क्लास 2 जा रहे हैं। और ये घोड़ा यार बनता है, बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि 1-2 की बैट है, तो इसलिए मतलब बिल्कुल वैसे सरप्राइज कर सकता है, आप चांस जिसको लेना है ले सकते हैं। और यूक्रेन जो घोड़ा है वो भी मतलब एस एस तल्लाई जी का घोड़ा है, और ऑनर भी अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट सेम ही है ना, तो महिंद्रा जी, और यहाँ पे 59.5 किलो में ट्रेवर बैठा हुआ है, लास्ट टाइम गैलेक्टिकल ने बीट किया था। और देखते हैं यार 1400 मीटर में ट्रेवर के नीचे, उम्मीद करते हैं बेटर रन दे। 3 नंबर पे और अपसेट प्लेस आप देख सकते हैं, कुछ खास ऐसा किया नहीं है, बट गैलेक्टिकल के साथ में ही भागा था, इस वजह से अपसेट प्लेस में आप देख सकते हैं। 4 नंबर एंडोरा, ये भी गैलेक्टिकल के साथ में थर्ड लगा था, उमेश से इनायत बैठा दिया, 3 किलो माइनस जा रहा है 53.5 किलो में। इनायत ने भी अच्छी राइडिंग करी इस बारी बेंगलोर में। और उसके बाद फॉरएवर टुगेदर भी आप अपसेट के लिए देख सकते हैं। और उसके बाद 6 नंबर आर्टेमिस इग्नेसिया, लास्ट टाइम जीता बहुत बढ़िया जीता यार, बहुत टाइम से रुका हुआ घोड़ा कहीं ना कहीं पे, और इस बारी पी एस चौहान बैठा दिया सकलेन के बल्ले, उम्मीद करते हैं चौहान बिल्कुल निराश ना करे घोड़ा यार, दोबारा जीते। जैसा मैंने बताया रेस 1-2 की है, तो थोड़ा सा बस यहाँ पे वो हो रहा है, बट ये मेरे ख्याल से 1-2 से नीचे ना जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा ये घोड़ा, क्योंकि पोटेंशियल है घोड़े पे, दम है। 7 नंबर शुभांकर छोड़ दो यार, मैं खुद नहीं लेके चल रहा। और मैं इस रेस में जैसा मैंने बताया मुझे 3 घोड़े टॉप लग रहे हैं, 2 SS तल्लाई जी के, 1 नंबर 2 नंबर, और उसके बाद 6 नंबर आर्टेमिस इग्नेसिया, पिक भी यही लेके चलूंगा, 6 नंबर आर्टिमिस इग्नेसिया। और सेकंड घोड़ा 1-2 में कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं सिंगल ही हॉर्स पिक लेके चलूंगा यार, उम्मीद करते हैं कि चौहान बाबा मतलब यहाँ पे कुछ मतलब मिस्टर पैसे के घोड़े हैं नहीं, सैटरडे संडे तो औरों के घोड़े जिताओ। अजहर अली जी का एक घोड़ा बहुत बढ़िया जिताया आज, एबल लव था शायद या 1 था, और उसके बाद एक और घोड़ा जिताया यार, मैं नाम मिस हो रहा है मेरे से, मून ब्लेसिंग, राइडिंग में दम है चौहान बाबा। 7वीं रेस में आ जाते हैं, द चीफ मिनिस्टर कप ग्रेड 3 की रेस है, और 1 नंबर ऑल अट्रैक्टिव, 112 की रेटिंग थी यार, नॉर्थन लाइट के साथ में भागा था और मुंबई में, उससे पहले 98, सीधा 120 की रेटिंग कर रहे हैं घोड़े की, और थोड़ा सा मुझे वो लगा, और उम्मीद करते हैं कि मतलब ये सरप्राइज बिल्कुल कर सकता है यार ये घोड़ा। और नॉटी डांस बहुत बढ़िया घोड़ा था यार, किसी टाइम पे या जो भी था भाग रहा था, उसके बाद लास्ट टाइम पे भी वहाँ पे ऊटी में
इतना लगा घोड़ा और उसके बाद प्लेस आउट, 1-2 की बैट वैसी थी, तो तीसरा हो गया विप लॉस। ये बड़ा यार पंटरों के साथ नाइंसाफी है। 3 नंबर एग्नोस्टिक मोक दे के आ रहे हैं, और यार उम्मीद करते हैं घोड़ा जिस तरीके से बैंगलोर में पहले रन पे ट्रेवर के नीचे सरप्राइज किया था, 1200 मीटर स्प्रिंटर जीता था, उम्मीद करते हैं वैसे ही अब दोबारा उस दिन अक्से बैठाया था जिस दिन घोड़ा 9 बजे से नौवा हुआ है, और उस दिन कुछ घोड़े के साथ इंसिडेंट हुआ है, इंजरी हुई थी, और इस बार ही उम्मीद करते हैं ट्रेवर के नीचे एक बेटर रन देखने को मिले, और ये घोड़ा बिल्कुल बनता है यार यहाँ पे। 4 नंबर फास्ट ट्रेन, NS परमार साहब ने कहा कि लास्ट टाइम पे कुछ क्लियर रन नहीं ले पाए 200 मीटर 300 मीटर में, और 1200 मीटर जीता हुआ है क्लास 1, बाहर का गेट है, सरप्राइज कर सकते हैं, बहुत टफ रेस है यार। शायद ही मतलब मैं सिलेक्शन तो दूंगा, बट मैं बिल्कुल मतलब श्योर नहीं हूं, बट एक घोड़ा मैं लास्ट रन के हिसाब से जरूर बताऊंगा। 5 नंबर प्राइजलेस गोल्ड भी ये सरप्राइज कर सकता है यार। 6 नंबर कूल राइडर, इसी घोड़े को मैं लास्ट रन के हिसाब से कहना चाह रहा हूँ कि ये घोड़ा यार बोर्ड में रहे दोबारा से। नील दारा शाह जी का घोड़ा है और PH चौहान बैठा हुआ है, लास्ट टाइम जर्वन ने राइडिंग किया था, और नॉर्थन लाइट उस दिन रिकॉर्ड टाइमिंग करी थी, नॉर्थन लाइट ने 23-9 की टाइमिंग करी थी 1400 में, इस बार जाना है 1200, और फ्रंट रनर घोड़ा है, 9 नंबर का गेट है, बिल्कुल दम है यार लास्ट रन के हिसाब से, बहुत दम है घोड़े में, और मैं उम्मीद करूंगा चौहान के नीचे एक और बेटर रन देखने को मिले। 7 नंबर 10 सोवर्जेन ORB, बहुत लुटवा दिया इस घोड़े ने पंटर को यार, मेरे ख्याल से एक बार ट्रेवर के नीचे, लास्ट टाइम सिरेश सिंह के नीचे भी 63.5 किलो में भी लोग प्लेस खेले, इस बार श्रीनाथ बाबा बिल्कुल कर सकता है श्रीनाथ कुछ भी, जब वो भी मारता कहते हैं यार गधा भी भागता है। 8 नंबर सीज करेजियस अक्षय कुमार के नीचे, वेट का थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है, 60 से 56 जा रहे हैं, बट फील्ड बहुत टाइट है यार, हो सकता है प्लेस आ जाए या जीत भी जाए, बट थोड़ा सा फील्ड बहुत टाइट है, मैं श्योर नहीं कह सकता इस घोड़े के लिए। 9 नंबर स्टार ग्लोरी फनल लेफ्टर के आगे अभी जॉकी पे फाइन किया गया है, जैसा मैंने अपनी लास्ट टाइम पे वीडियो में बोला था कि पता नहीं क्या राइडिंग करता है यस नायडू, तो वो राइडिंग वैसे भी ठीक नहीं थी और जॉकी पे फाइन हुआ है, किस रीजन से मैंने देखा नहीं, बट शायद रनिंग एंड राइडिंग की वजह से हुआ है, तो बहुत ठीक हुआ है। और यहाँ पे किरण नायडू के नीचे एक घोड़ा यार सरप्राइज आप देख सकते हैं। और 10 नंबर इज इन नॉट सी इज ब्यूटिफुल, लास्ट टाइम ये घोड़ा 7वां हो गया, बहुत दुख की बात थी यार सभी के लिए, क्योंकि घोड़े ने ऊपर के रन बहुत सुपीरियर दे रखे हैं यार, लेपर रॉक के साथ में जो मतलब उसके साथ में चौथा लगा है, फिर ठीक है 1200 मीटर के रन अच्छे हैं, तो क्या पता 1200 का इस बार रन एक अलग ही देखने को मिले। और सकलेन के नीचे ट्रैक में 2 बारी इग्नोर लास्ट रन दिखा रहे हैं, तो ये घोड़ा यार बिल्कुल यहाँ पे फ्लूक भी दे रहे हैं, तो घोड़ा बिल्कुल बनता है यार यहाँ पे, 3-4 घोड़ों में इसको भी कंसिडर कर सकते हैं जो टॉप है, बाकी तो मैंने वैसे सभी के बारे में लिख दिया है क्योंकि मेजर रेस है। और यहाँ पे दोस्तों जो मैं पिक लेके चलूंगा, 3 नंबर एग्नोस्टिक पी ट्रेवर और 6 नंबर कूल राइडर PH चौहान, उम्मीद करते हैं इन दोनों में ही, बाकी 2-3 घोड़े जैसा मैंने बताया, 10 नंबर बहुत ज्यादा चमक रहा है वैसे, और ये फास्ट ट्रेन भी चमक रहा है, तो ये कुछ घोड़े हैं यार जो कुछ अलग से कर सकते हैं बाहर से, और सीज करेजियस, खैर उम्मीद करते हैं इन दोनों में ही रेस देखने को मिले, घोड़े थोड़े से बड़े लग रहे हैं यार मुझे। और 8वीं रेस में आ जाते हैं, 1200 मीटर क्लास 4 की रेस है, 1 नंबर ऑलवेज हैप्पी, लास्ट टाइम विवेक जी ने बहुत बढ़िया रन दिया था, इस बार S एंटनी राज बैठा दिया है, और यहाँ पे BB ऑन कर रहे हैं, बिट होती है जैसा मैंने बताया, घोड़ा थोड़ा कंट्रोल में भी रहता है, और ये घोड़ा लास्ट टाइम 1400 था और इस बार ही 1200 जाना है, बिल्कुल दम है, और कुणाल गुप्ता जी का घोड़ा है, और आज भी 1 नंबर लास्ट रेस में क्लेवर हंस जिस तरीके से जीता है, तो वो भी कुणाल गुप्ता जी का था शायद, तो ये घोड़ा भी जीत सकता है, बिल्कुल दम है। और 2 नंबर जनरल पैटर्न, ये घोड़ा लास्ट टाइम यार फेवरेट क्यों था, एक तो ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, इतनी टाइट फील्ड में इस घोड़े को यार फेवरेट कर दिया, बहुत बड़ी बात है, जो भी है
बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, और शायद ये था भी इसी भाव से, 3.5-4 रुपये का भाव था, बट ये क्यों था मुझे समझ नहीं आया उस दिन घोड़ा यार। बट हाँ, अब ये क्लास 4 में आ गया है तो यहाँ पे घोड़ा बनता है, मतलब कहीं ना कहीं पे मैच हो गया एक के से, और 62 किलो में वीआर जगदीश के नीचे बिल्कुल घोड़ा बनता है, यहाँ पे जरूर घोड़ा बनता है। उसके बाद 4 नंबर ओपस वन, 1 रन बहुत बढ़िया जीता, अगले रन पे पता नहीं अर्कवे के साथ में क्या हुआ यार, बहुत बेकार रन था लास्ट रन यार। 5 नंबर सियोल YS सीना बाबा, वो इस बार ही उम्मीद करते हैं घोड़ा बोर्ड में रहे। पहला रन अच्छा था एलसेट सिनर्जी के साथ में, और उसके बाद भवानी साहब बैठे और प्लेस खूब लगी घोड़े की, और चौथा चौथा ही होता है घोड़ा, अगर प्लेस ज्यादा लग रही है टेंशन मतलब वो चौथा ही होगा, ऐसा होता है। इस बार सीनाथ बैठा दिया, उम्मीद करते हैं कि घोड़ा यार बोर्ड में देखने को मिले, बहुत ताकत है चीकू के हाथों में। उसके बाद है 6 नंबर सेजर पैलेस, लास्ट टाइम हिंदू सिंह के नीचे अच्छा रन था, इम्पियाना के साथ में गुड साइकिल लगा हुआ है यार ये घोड़ा, तो यहाँ पे सरप्राइज दोबारा कर सकता है। और यहाँ पे जो दो घोड़े यार ओवरवेट के हिसाब से भी मुझे दिख रहे हैं और यही पिक लेके चलूंगा, 1 नंबर ऑलवेज हैप्पी एस सेंटरी राज, और 2 नंबर जनरल पैटर्न वी आर जगदीश। इसी के साथ बहुत लंबी वीडियो हो गई दोस्तों, और इसी के साथ ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक मेरे भाइयों। इसके बाद मिलते हैं 2-3 दिन के ब्रेक में मैसूर की रेसों में, ठीक है दोस्तों, बाय, टेक के मेरे भाइयों, बाय यार, बाय बाय बाय।